नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक ही सवाल हर बच्चों के मन में चल रहा है कि सर, अगर मैंने किसी भी तरह सीटेट को पास कर लिया तो बिहार में जो बीपीएससी के थ्रू जो सुपर टेट होने वाला है, डैट मीन्स वहाँ पे कितने मार्क्स कर दिए जाएँ कि नौकरी यानी सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो अगले आपको 30 सेकेंड के अंदर मैं आपको बिल्कुल सटीक, आप जानते हो कि चैनल पे आपको फिर वही इन्फॉर्मेशन मिलता है जो बिल्कुल करेक्ट होगा और सटीक होगा। तो देखिए, अगर पहली बात तो क्लियर कर दूं, बिना सीटेट पास किए आप इस शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती 3 लाख पदों की बात हो रही है तो सटीक बात बता दें कि आपको 1 लाख पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा। 1 लाख पदों में भी 60,000 लगभग प्राइमरी के होंगे, यानी आप कह सकते हो कि 60,000 प्राइमरी का होगा और 40,000 उसमें से अपर प्राइमरी का होगा। ठीक है, अपर प्राइमरी का होगा। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि आपने भाई सीटेट पास कर लिया, अब आपको शिक्षक भर्ती में बैठना है। 150 यानी 150 अंक का ये आपका पेपर होना है, 150 नंबर के होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि माइनस मार्किंग होगा। पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि अभी ऐसा कुछ भी मतलब प्रमाणित नहीं है, और मेरे विचार से निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर होता है तो देखा जाएगा, लेकिन होगा नहीं ये आप तय मान कर चलें। सिलेक्शन की जहाँ तक बात की जाए बेटा, अगर आप जनरल अथवा अगर आप ओबीसी हैं तो दोनों के लिए जान लीजिए, जनरल से हैं तो आपको भैया 100 तो आपके आने चाहिए, 100 प्लस तो आपको करना पड़ेगा तय मान कर चलें। और अगर आप ओबीसी से हैं तो फिर आपके जो नंबर हों, शिक्षक भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सीटेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे आपके नंबर कम से कम 90 नंबर से, यानी मान कर चले कि 90, 95, 97 इससे कम ना हो तो आराम से आपका हो जाएगा। तो ये था एक संक्षिप्त जानकारी, सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। बाकी वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दर्शाएँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू सो मच, आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।